उनके यहाँ उस इरादे से टकराने वाली ताकतें कोई नहीं है। बेशक दिल इरादा गुनाहों से बड़ी, मगर उनकी तबीयत में मुहर्रिकात के गुनाह नहीं। मुहर्रिका के गुनाह के पीने हैं पर की दे के हमें कोई जोरों की विकालत नहीं कर रहा हूं, मगर ये थे बहुत से चोर हैं बिचारे करने के लिए यानी बाकी कर रहे थे बिचारों ने चोरी की, भूखे थे बेचारे ने चोरी की अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, यानी शाही ऐसा के पास बड़ा आ गई। और इसीलिए हमारे मासूम ने एक महल पर एक आके में बम कहा, जब चोर आया और हुक्म दिया हाथ काटने का, इमाम ने फरमाया कि तुम्हारे निजाम ने ऐसा इंतजाम किया है कि सबका पेट भर जाए। यानी उसकी माजूरी जुर्म को हल्का कर देती है कि मुआकरा ऐसा है कि उसमें हरेक के पेट भरने का सामान अगर नहीं है तो बहुत से अपराध के जराइम के जिम्मेदार मुआकरा। गुस्सा अब मुझे उसकी ज्यादा पसंद नहीं है कि मुझे गुस्सा का मान, मगर जो भी गजब अपराध है उसकी बदल ज्यादा होगी। गुस्से में बहुत से काम आदमी ऐसा ऐसे कर गुजरता है जो बाद में खुद पशैमानी होती है। फिलहाल हो जाएगा देखो गुस्से में मैंने यूं कह दिया, गुस्से में यूं कर दिया, यानी आम हालात में ना कहते अपने आजाद अमीर से न कहते, लेकिन गुस्सा जो है उसी का एक दर्जा होता है जो इख्तियार कहलाता है, तो अब उसमें बहुत से काम हो जाते। तो मुहर्रिक के गुनाह गुस्सा और किस्म के जिनकी सराहत मकान मेंबर के लिए मुनासिब नहीं, बहुत से उनकी खाई के बाहिश हो जाती तो ये मुहर्रिका के गुना उन्हीं में से एक जज्बे इंतकाम है। अरब में बड़ा जाओ जलाल के साथ कार्रवाई था, उसने हमारी भाई को मारा तो हम उस कबीले के 10 आदमी मारेंगे। तो अब ये जज्बा है इंतकाम, ये भी एक है। ये मुहर्रिका के गुना वो कभी जज्बात के कहलाते हैं, कभी रुझाना उनको कहते हैं तबीयत के, तो वो मुहर्रिका के गुना होते हैं। बस मलाइका क्या फिरिश्तापन ये है जो उनमें ये मुहर्रिकाते गुना नहीं। उनके यहाँ ये चीजें नहीं है जो दांत में रुकावट बनती हैं और मासियत पर आमादा करती हैं। जिस्मानी तौर से हमारे यहाँ बहुत सी रुकावटें हैं, जी चाहता है कि नमाजें और पढ़े
गए। अब ये थकन उदामन बन गई दौड़े रात के बावजूद। जी चाहता है कि पूरी रात शबे कदर में कम से कम और रातों में नहीं शबे कदर में जागें, जो बहुत से मोमिन जागते हैं, लेकिन नींद आ रही है, बैठे हैं दुआएं पढ़ रहे हैं लेकिन आंखें बंद। तो अब बताइए बंद आंखों से दुआएं पढ़ते भी रहे तो क्या कीमत होगी। और बीच में नींद का बहुत ऐसा आ गया कि वजू भी खत्म हो गया। तो बताइए उसका संस्कृत क्यों कर टाइम लगे। और ये हमारे जिस्मानी कमजोरी जिस्मानी कमी है। फिरते जो है उनमें ये बात ही नहीं, उनमें थकन नहीं होगी कि वो इबादत से आजिद हो, उनकी वो तबीयत नहीं जो यकरंगी अमल से उकसाए। हमारे यहाँ एक दिन ही रुकावट क्या हमारी तबीयत ऐसी है कि वो फिर तबीयत उचाट हो जाएगी। जो अमल यकसा रहे तो अब जहन के लिए हमारे तलबों की जरूरत है, रंग बिरंगी की जरूरत है। तो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं किया कि हम बस रुकू में है तो रुकू ही में रहे, सजदे में है तो सजदे ही में रहे। इंसानों में जिस्मानी रुकावटें भी हैं और जहनी रुकावटें तबीयती रुकावटें, ये सब हैं कि जो लोग करेक्टों में नहीं है। तो अब उनकी बेगुनाही उसमें कोई जिहाद नफ्स शामिल नहीं है। बिल इरादा किस्मत है, बिल इरादा इख्तियार है, लेकिन उस इरादे के इस राह पर लगने में कोई रुकावट नहीं है, किसी चीज से हमें लड़ना नहीं है। रुकने जाइए के बस रुकू में रहो तो रुकू में कोई गाय किसका नहीं है कि वो रुकू से सर उठाए। रुकने जाइए के सजदे में रहो तो बस वो सजदे ही में अब रहेंगे जब तक अल्लाह चाहे, कोई गाय किसका नहीं है कि वो सजदे से सर उठाए। न तबीयत उकताती है न जिस्म थकता है, न नींद आती है, न भूलते हैं, न गफलत होती है। ये सब अमीर मोमिनीन के औसाफ उसके कई कई सफे में मलाइका के औसाफ नबी बाजारों में अमीर मोमिनीन ने उनसे भाग के हम जाने का जो खुद इज्जत के दर्जे पर है वही उनकी इज्जत की कैफियत तो समझे। लिहाजा इस तरह से औसाफ बयान किए मलाइका तफसील के साथ, तो आप उनकी इज्जत उसके साथ मुकावटें मुदाहमतें नहीं। ये बेचारा इंसान अब यहाँ ये तो मंदिर रहती है जिसको मैं सभी निगाह से बेचारा कह रहा हूँ, मगर इसी बेचारगी में इसका कमाल है मंदिर किरदार बोलना जिन्ना है कि ये बेचारा ऐसा है केवल मुकम्मल आराम हो